अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी मजदूरों की सही मांगों को लेकर अनुचित रुख अपना रही है और आज 19 सितंबर को प्रशासनिक पदाधिकारी और श्रमायुक्त की मौजूदगी में एसडीओ कार्यालय में बैठक हुई, लेकिन एलएनटी लेबर यूनियन ने इसकी निंदा की है। कंपनी के मजदूर विरोधी रुख और अब मजदूरों की आजीविका के मुद्दे पर यूनियन जमकर संघर्ष करने की चेतावनी एलएनटी लेबर यूनियन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। कोरपना तालुका की अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी में लोडर श्रमिकों को इस समय भारी अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। इसके खिलाफ पूर्व सांसद और वरिष्ठ श्रमिक नेता नरेश बाबू पुकलिया ने आक्रामक रूप अपनाते हुए श्रमिकों को न्याय दिलाने की कोशिश शुरू कर दी है। इस संबंध में आंदोलन के बाद सुधीर भाव मुनकंटीवार ने संज्ञान लिया और चंद्रपुर कलेक्टर कार्यालय में एक बैठक आयोजित की। इसमें ट्रेड यूनियन की सभी 19 मांगों पर चर्चा की गई और कहा गया कि इनमें से कई को मंजूरी दी जा रही है, जबकि अन्य पर अगली बैठक में चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन एक माह बाद भी अल्ट्राटेक प्रबंधन के वादे के मुताबिक मांगों का निस्तारण नहीं किया गया है। अंततः अपर कलेक्टर के आदेश से ड्रासुरा उप विभागीय अधिकारी डॉक्टर रविन्द्र मारी ने 19 सितंबर को ड्रासुरा उप विभागीय कार्यालय में एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में अपर कलेक्टर देशपांडे, सश्रम श्रमायुक्त एमपी मड़ावी, एसडीओ डॉक्टर रविन्द्र मानी एवं श्रम अधिकारी उपस्थित थे। लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ने जूनियर अधिकारी को भेजा और उन्होंने ये कहते हुए हमसे और समय मांगा कि हमें कोई और जानकारी नहीं है, इसलिए अगर कंपनी मजदूरों की समस्या को लेकर गंभीर नहीं है और प्रबंधन भी इस पर ध्यान नहीं देता है तो एलएनटी श्रमिक संघ ने जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी है। राजुरा में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में श्रमिक संघ ने आरोप लगाया है कि कंपनी प्रबंधन प्रशासनिक व्यवस्था का पालन नहीं करता है। इस पर जानकारी मिली है कि 4 दिन बाद दोबारा बैठक होगी और अतिरिक्त कलेक्टर देशपांडे ने कंपनी को अंतिम रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है और ट्रेड यूनियन को अगली बैठक आयोजित करने का आश्वासन दिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवचंद काले, महासचिव साईनाथ पुचे, नरेंद्र पांडे, गजानन बोधिकर, बंटू उर्कुड़े, सतीश कंपेली, चेतन ठाकुर, दीपक बंदुरकर, दीपक पिसे, राकेश अलोन, विठल देवलकर, प्रदीप काले, पांडुरंग जुरवरे शामिल थे। मैं अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी आवाड़ में जॉब करता हूँ। मैं पहले 11 साल से सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करता था। जैसे लोडिंग की जगह निकली तो मेरे को मैनेजमेंट ने लोडिंग में लिया, तो लोडिंग में लिया तो उनका कहना है कि हमने लिया, हम यानी कि मेरा ऑपरेशन हो गया ऑफिसर का। ऑपरेशन होने के बाद उन्होंने डायरेक्ट लेटर दिया कि सस्पेंड का लेटर दिया। बाद में बोला कि देखो लेते, लेकिन हमने लगाया देखो हम लेंगे, कारण बताओ का नोटिस दिया है। कारण बताओ का नोटिस का वकील की तरफ भी पंचनामा हो गया। वकील ने क्लियरली लिख दिया है कि इसको तुरंत ड्यूटी पर लिया जाए, तो भी इन लोगों ने मेरे पे कोई एक्शन नहीं किया। मेरा मेडिकल किया, मेरा पंचिंग किया, मेरे को गेट पास दिया, मेरे को वापस दिया, बोले कि शाम को नाइट में आना है, तो भी इन लोगों ने मेरे को रुका दिया ड्यूटी आने के लिए। उसके बाद में आज तक मेरे को मिले हमारे नेता हैं, उन्होंने भी बोला, उनको भी बोला है कि ले लेंगे इनको, ले लेंगे तुरंत। ऐसे करते करते आज मुझे 1 साल हो गया। आज भी बोल रहे ले लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं बोल रहे कि ना हाँ कुछ ले लेंगे, लेकिन कब लेंगे ये नहीं बता। 1 साल हो गया सर। 1 साल से आप खाली है, सिर्फ खाली हूँ सर, हम ही दे रहे हैं कि हम ले लेंगे ड्यूटी पे। उसके बाद में एक पालक मंत्री के साथ मीटिंग भी हुई अभी कलेक्टर ऑफिस में। पालक मंत्री ने क्लियर बताया कि दीपक किसी को तुरंत लिया जाए। इन्होंने वहाँ पर भी बोला है हाँ हम तुरंत ले लेंगे। लेने के बाद मुझे एडीएम में बुलाया, एडीएम बुला के मेरे को बोला है कि आपको मंडे से हम ले लेंगे, लेकिन आज 1 महीना हो गया उनका मंडे ही नहीं निकला। बुलाते हैं, बिठाते हैं और बोलते हैं कि हो जाएगा तेरा। ऐसे करते करते सर आज मुझे 1 साल हो गए, मेरी परिस्थिति भी ख़राब हो गई है। मेरे घर में पिछले महीने लड़की हुई है, मुझे डिलीवरी की पेट में मेरे बहुत खर्चा भी आया है। तो सर मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे को मेरा कारण बताइए क्या है। तो मेरे को बेवजह 1 साल से हमने लिया है, हमारा बंदा है सिक्योरिटी में से लिया है, इसी वजह से मेरे को आज 1 साल हो गया बिठा के रखा सर। मेरी गलती बताइए, मैंने चोरी किया कि मर्डर किया, किसी को गाली गलौज किया कि कुछ किया, सिर्फ छुट्टी का कारण बता के, और उसमें से छुट्टी में से मेरा ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन में से मेरे को बिल भी दिया है इन लोगों ने, बिल का भी दिया है, लेकिन आज भी बोलते हैं हो जाएगा, लेकिन आज तक सर मेरे को 1 साल हो गए लिए नहीं। सर मेरी रिक्वेस्ट है कि पालक मंत्री साहब ने भी बोला है, कलेक्टर साहब ने भी बोला है, आज की मीटिंग में भी बोला है कि तुरंत लिया जाए, तो भी सर कोई एक्शन नहीं है। बस मेरा इतनी मांगनी है कि मेरे पे जो न्याय अन्याय हुआ है मेरे को न्याय मिलना चाहिए। मेरा नाम आपके प्रॉब्लम क्या है? जो अल्ट्राटेक ठेकेदारी में काम करते थे, उसके बाद में कुछ भर्ती हुई अल्ट्राटेक कैशिंग फ्रेंड में, तो वहाँ पे हमको वेज ग्रोथ के अनुसार हमको ड्यूटी दिया गया। उसके बावजूद हमको बोला गया था कि आपको ट्रेनिंग में ड्यूटी मिलेगा,
इसके अंदर आपको ड्यूटी में कुछ उल्लंघन करते हैं तो उसके बाद में हम आपको निकाला जाएगा लेजर द्वारा। तो उसके बाद में हमने कुछ सब कुछ मंजूर करने के बाद में हमने फॉर्म भरने के बाद में ड्यूटी ज्वाइन की। इसके बाद में उन्होंने सर ने बोले हमको कि इसके बावजूद आपके तरफ से कुछ हानि होती है या नहीं होती है, सेफ्टी के अनुसार काम भी करना पड़ेगा और आपका तनेज निकलता है तो आपको वेटपुट के अनुसार आपको रेट भी दिया जाएगा। हमने सब कुछ हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहने के बावजूद हमको 3 महीने वेज ग्रुप के अनुसार 1650 रुपये का हर महीने हर ड्यूटी 8 घंटे का ड्यूटी है उसके अनुसार हमको 1650 रुपये रेट दिया गया। 3 महीना रेट देने के बाद में उन्होंने कहा हमको मैनेजमेंट ने कि आपको ट्रेनिंग बेस पे है आपको 950 का पेमेंट लागू होगा। तो अभी हमको 2 साल हुआ है हमको रेट 950 चल रहा है इसके माध्यम से हमको 950 रेट पर चल ही रहा और हर महीने में उसका डिडक्शन भी चल रहा है। हर महीने में 15,000 16,000 13,000 महीने का डिडक्शन हो रहा है लेकिन और उसके ऊपर में हमको PL भी नहीं दिया गया ना CL दिया गया और ना हमको ड्यूटी भी बराबर मिलता है। कंटिन्यूशन में ड्यूटी भी नहीं मिलती और हमारा पहले फिक्स पैकर था कहते हैं उसके पहले हम नहीं थे अभी हम आए हैं तो हमको ये लोग ऐसे बता देंगे फिक्स पैकर नहीं है और हमारा यूनियन बता देगा फिक्स पैकर है हम उसके भी उसको भी पालन करते हुए आगे गए थे लेकिन 3-4 महीने हम ड्यूटी में जाके बैठे हैं उसका भी पैसा नहीं मिला हमको और हमको ऐसे कहते हैं क्या आपको वेज बोर्ड के अनुसार ड्यूटी करना है तो वो उधर से आपका वेज बोर्ड फिक्स पैकर रहेगा तो आपको ड्यूटी मिलता नहीं तो रोटेशन द्वारा आपको जितना ड्यूटी मिलता है नंबर आता है आप ड्यूटी करो नहीं तो घर में रहो इतना कहते हैं। आपका यूनियन लीडर का नाम क्या है? हमारे यूनियन लीडर का नाम है नरेश बाबू। मी आतिश लारकर अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीचा लोडर। आम्ही जेव्हा लागलो होतो तो आम्हाला वेज बोर्ड अनुसार घेतल्या आलं होतं आणि आम्हाला सांगितलं की ट्रेनिंग बेसवर मी राहील बा पण त्याच्यानंतर आम्ही विचारलं होतं की आम्हाला हा ट्रेनिंग पिरियड कवापर्यंत राहील तर आम्हाला आमच्या लीडरनी सांगितलं की नरेशबाबूंनी सांगितलं की 3 महिन्यानंतर आपलं प्रोजेक्ट पुण्यात येईल। तरी आता आम्हाला 2 वर्ष झाले आहे आणि आम्हाला आजपर्यंत काही प्रोजेक्ट मिळाला नाही आणि जे आमचं फिक्स पॅकरचं जे होतं की काही लोकांना ड्युट्या नाही मिळत तर आत्तापर्यंत आम्हाला याचं पण निर्णय लागलाच नाही आला आणि अशा प्रकारे आमचे जे काही लोडर होते जे पुढाकार घेतले होते त्यांना काढण्यात आले जसं की दीपक पिशे 1 वर्ष झालं आहे त्याला ड्युटीवरून काढण्यात आलं आत्तापर्यंत त्याला घेण्यात नाही आला आहे। आमची हेच मागणी आहे की आम्हाला पुरेट मिळायला पाहिजे वेज बोर्डच्या अनुसार आमचं जे पॅकरचं जे फिश पॅकर होतं ते फिश पॅकर झालं पाहिजे आणि जे आमचे जे मित्र होते ड्युटीवर त्यांना काढण्यात आलं त्यांना पुन्हा वापस घेण्यात आलं पाहिजे। मी टाकर ऑपरेटर होतो लोडिंगमध्ये 2022 लोक रिटायरमेंट झाले आमचे तेपासून नाही PF भेटला नाही पेन्शन भेटलं आता उपास मारीची वेळ आली आहे सगळ्यावर असे आंदोलन आम्ही कैद केले आहे कलेक्टरला निवेदन दिले आहे विभागाला निवेदन दिलं आहे PF कमिशनरला निवेदन दिलं आहे आम्ही बाबूजीला निवेदन दिलं आहे कंपनीला निवेदन दिलं आहे सगळ्याला निवेदन देऊनही आमचं अपयशी होत आहे तर तरी पण त्यांच्यावर काही कारवाई होत नाही आहे। या कंपनीची मुद्राही चालू आहे कंपनी वारंवार टिकीट आठवते 1 महिना दुसरा टिकीट आठवते दुसरा महिना दुसरा टिकीट आठवते त्याच्यामुळे आम्हाला त्याच्यामुळे आम्ही हे करून दाखवायचं एक आंदोलन आम्ही आंदोलन उपोषण करू आणि आत्महत्या करू। NBC न्यूज के लिए राजूरा से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।